कुल मिला के हम ऐसे निकल गए। गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस आज से हम यहां केरला में छौं र केरला से हम जा रहे हैं यहां मरीन ड्राइव के लिए। ये सारा है मेरे दोस्त, आप देख सकते हो। एक बार हाय तो कर दो सारे। हेलो। थोड़ा आवाज जोश की कमी लग रही है, लगता है अभी उधर पहुंचने के बाद जोश आ जाएगा मेरे को, ऐसे लग रहा है। तो उस जगह में जाएंगे और शिप के साथ हम भ्रमण करने के लिए बिल्कुल रेडी है। पूरा चार चार गाड़ियां रेडी है, गाड़ियां बोले तो टू व्हीलर है जो भी है आप समझ लेना। और हम रास्ते में क्या क्या होता रहेगा सारा कुछ उधर बताने वाले हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। ओके गाइस लेट्स सी ऑन द ब्लॉग। सो गाइस हम से यहां हल्का रेड लाइट क्रॉस गरिसकेका छौं। बिल्कुल यो कंटेनर रोड हो, इंटरनेशनल कंटेनर रोड भन्छ के, कंटेनर हिड्ने वाला रोड हो। यहाँ से जब थोड़ा हम जाएंगे तो लगभग लगभग कुछ दूरी है। ये भी हमारे दोस्तों को करते करते आगे आगे हमारे दोस्त है जो यहाँ हामी चाहिँ यहाँ पेट्रोल पम्प आइसकेका छौँ। पेट्रोल पनि यहाँ इन्डियामा हुनुपर्दा 105 रुपिस 61 पैसा रहेछ पर लिटर। त्यताको हिसाबले त हाम्रो यहाँ सस्तै हो। पेट्रोल पम्पमा आएको छौँ, पेट्रोल भर्दैछौँ, पेट्रोल भर्दै गरेको अवस्था छ है, यहाँ देख्न सकिन्छ। त्यहाँ कतै अब 500 रुपियाँको हालले 500 रुपियाँ भनेपछि 4 लिटर 700 ml 4.73 लिटर उ गरेछ तल हाल्यो। अब यहाँदेखि अब निक्लिन्छ हामीले 500 रुपियाँको पेट्रोल पनि हाल्यो। अब यहाँदेखि निक्लिन्छ गाइस। देखो यो बडे बडे अपार्टमेन्ट भी है यहाँ पर। समुन्दर का मतलब साइड, समुन्दर का साइड है किनारा, यत्र ठुलो समुन्दर पनि जो पनि छ यस्तो छ पारिपट्टि यो अपार्टमेन्ट हो। अनि यतातिर पानी जहाजहरू पनि देख्न सकिन्छ उता उता यसरी होइन मजाले देखाइरहेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होला। यो जति पनि ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू हो यिनीहरू ठुल्ठुलो अपार्टमेन्टहरू हो क्या। यो त फ्ल्याट सिस्टमहरू देख्नु भन्छ नि त्योवाला फ्ल्याटहरू हो क्या। यो छ अरू पनि छ फ्ल्याटहरू त पारिपारि पनि देख्छ, अग्लो अग्लो चिजहरू समुद्रको बिल्कुल किनारामा यसरी चाहिँ एड्रेस गरेर बनाएको छ कि। अनि यस्तो छ जे फ्ल्याट बनायो जस्तो बनायो लास्टमा अगाडि रुख लाउनै पर्छ यहाँको बिल्कुल छ। फाइनल गाइज हामी चाहिँ यहाँनिर पार्किङ गरेर चाहिँ भित्र जाने भनेको थियो, तर चाहिँ यहाँ पार्किङमा बहुत महँगो पार्किङ ल्यायो भनेर साथीहरू अगाडि पार्किङ गर्दैछ, मेला सबै लागिरहेको रहेछ। त्यो ठाउँमा पुग्छौँ र फेरि चाहिँ त्यहाँनिर पार्किङ गरेर फेरि हामी बिल्कुल अब समुद्र मन्थनतिर लाग्ने कुरा गरिन्छ है। समुद्रको तरफ चले जाते हैं फेरि उधर कि घोडासम्म उधर फेरि भिडियो यहाँनिर आइसकेको छ। यहाँ चाहिँ पुरा फेस्टिभल फेस्टिभल चलाइरहेछ जसले गर्दा पुरा भिड भडेका थियो। अब यहाँ यो अब हेरौँ कुन चाहिँमा चढ्ने हो, यहाँ सरसल्ला हुँदैछ हौ। त्यसले गर्दा कृष्ण मन्सीवाडीमा जाने आफू यसमा खाली है दादा ठिक है। चलो 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 यसमै चल्दै फेरि चलो पुरा एकै जाने जो भी जाने किसमै जाने यसमै चलो बोलो। हम इसमें जाने वाले हैं तो पूरा ये पूरा इस तरीके से बैठे हुए सारे किसमें किसमें जाना है बोलना बोलना। तो इसके अंदर जाके हम देखते हैं कैसा होता है, थोड़ा मजा रहते हैं। समुद्र मंथन करने वाले हैं तो इस हिसाब से है कि ना सब। आपको कैसे फील हो रहा है अभी आज? बहुत मजा आ रहा
परेशान तो नहीं हो रहे हो? अच्छा अच्छा हम इनके साथ हैं। तो हम साथ हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं? आप ये बता दीजिए सर, चलो कुल मिला के हम अब ऐसे निकलते हैं। हमें आता नहीं है, बताएंगे बताएंगे। चलो चलो अभी। सो फाइनली अब हामी चाहिँ यहाँनिर आइरहेको छौँ। चलो एकदम सो फाइनली गाइज हामी यहाँनिर आयौँ। फेरि कुरोकानी त्यही हो, ग्रुपमा यताउति गर्दा कहिले यसमा जाने भने यो फेरि सानो बत्ताउँछ भन्छ साथीहरूले। त्यो फेरि त्यो ठुलोवाला जो छ त्यो बुक रहेछ अलरेडी, त्यो क्रुज भन्ने होला, त्यसले गर्दाखेरि हामी यसमा चाहिँ जाँदैछौँ। यसदेखि फेरि हामीले भिडियो चट्ट चट्ट बनाउँछ। यहाँ फेरि चियर लागेछ है गाइजी, त्यो हाई गरिदिजिए थोडा। यो हाम्रो रह्यो इधरका, तो हम यहाँ से चलते हैं। अगर फिर चेयर में बैठ के हुए फिर यहाँ से फिर थोड़ा समुद्र मंथन करने वाले हैं। तो इधर ये रहा समुद्र का किनारे किनारा, और भी बहुत अच्छा अच्छा और व्यू दिखाने वाले। यहाँ देखिए हमारे ये जहाज हिड़े छोटे जहाज, ये तो तेरा हेरदार ये देखिए समुद्र भैया सरलक्क पारीसम्म, अभी यो अझै पारी पारी सरलक्कै पारीसम्म पुरै समुद्र हो कि। अब यो श्रीलङ्काको बोर्डर भन्दा हुन्छ कि तपाईँले चाहिँ, यो समुद्र तरेर गएपछि ताकि श्रीलङ्का भेट्छ सिधी सिधी कुरो, तर बहुत धेरै लामो छ यतिखेर भन्ने कुरो हुन्न होइन। यसरी बसेछ माथि यो चाहिँ जहाज भन्नाले, त्यो ठुलो जहाज अझै ठुलो जहाज होइन, यो नाम त भन्नु यो भइहाल्यो। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठाउँको नाम चाहिँ त्यही हो, यो कोची कोची केरला। यता आएपछि चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ, यस्तो यस्तो खालि चल्दो रहेछ। यहाँनिर बसिरहेको छ हाम्रो रेशम बजार उतातिर, यता यो जो यस्तो छ होइन, यसरी घुम्दैछ सर लिएर अनि चाहिँ यहाँबाट गएर अब यहाँदेखि हिँड्यो है त। भाई एक बात तो सही है, जब आप इधर केरला में आओगे तो जो विक्रम विक्रम करके जो एक शिप बड़ा शिप है बोलते हैं ना इंडिया के अंदर सबसे बड़ा शिप, वो जो आप सामने जो दूर देख दे रहे हो वही है जो लेवल पे, वही है जो आप देखें। हम उसके जी बिल्कुल नजदीक तो नहीं, थोड़ा सा दूर है, उसी एरिया से घूम रहे हैं। जो आपको ये पता होना चाहिए कि 19 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने आकरीबन काटा था इसी विक्रम, इसी विक्रम को जो आप देखते हो ये है जगह। तो अब हम तकरीबन तकरीबन थोड़ा समुद्र के नजदीक नजदीक पहुंचने वाले हैं। नीचे इस तरीके से दिखता है पानी थोड़ा थोड़ा, ये अभी छोटा बोर्ड है इस तरीके से, ऐसे लग रहा है थोड़ा नीचे नीचे देखने में तो ताल की तरह, लेकिन दूर दूर देखोगे तो तब पता चलेगा तो समुद्र है करके समुद्र। और बिल्कुल शीतल आनंददायक हवा चल रहा है, देखो गाइस इतना बढ़िया सा लगा। फाइनली हम यहाँ रही इसी हिड़ी रहेगा सब, फिर हवा ने पूरा तो ले कमल हल्ली रहा है। यस्तो समुद्र यतातिर सरर पुरा चाहिँ मजा आइरहेको छ। हाम्रो विष्णु बिराले हो, बिल्कुल बिल्कुल यो घुम्दै गरेको अवस्था छ यहाँबाट। हामी यस्तो यो त पुरै कुर्ची रहेको छ, कुर्चीको माथि बस्ने हो अनि घुम्ने हो यतिको ओपनमा। हावा लागेको छ कि तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ, मेरो कपाल तर उति हल्लिरहेको देख्नु सक्नुहुन्छ होइन। यस्तो तरिकाले घुम्नेछौँ, यतातिर पनि छ साथीहरू, यतातिर बसिरहेको देख्न सकिन्छौँ। अब यो फेरि ट्रान्सपोर्टेसनको लागि आएर नि यो यहाँ क्या जेसिबी सेसिबी बोकेर हिँडिरहेको छ कोही जहाज। यहाँको अब पानी जहाज भने चाहिँ यस्तै हो, विभिन्न प्रकारको, कोही ठुलो कोही सानो, कोही यस्तो जेसिबीहरू बोक्ने, यस्तो यस्तो तरिकाले हुँदो रहेछ। त्यही अब जेसिबीहरू बोकेछ अहिले ट्रान्सपोर्टेसनवाला होला, मतलब त्यो अब सामानहरू लिएर हिँड्ने। अर्को एउटा चल्दैछ त्यसरी, के हो त्यस्तो नलगिन देखाउनु, त्यो सामान पनि क्रेनले उचालेर ल्याइरहेको छ है, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो खैरो खैरोवाला अर्को नै आयो, तपाईँले देख्नुभयो सबै झुन्डिरहेको छ यो सबै। त्यसो चाहिँ अब त यहाँ हलिन लायो, अब हल यसरी लोडिङ हुँदो रहेछ।
अचानक छाल देखि हल्का हल्का बिस्तारै छाल बढ्दै गयो किन समुद्रको अलि नजिक नजिक पुगेको यो त अब अहिले त किनारा किनारामा त थियो अब तपाईँले यहाँ चाहिँ जाँदा फेरि यसको नजिक आयो है पराडाएर चाहिँ लोडिङको लागि यस्तो यस्तो क्रेनहरू लगाएको क्रेनहरूले उठाउने रिभ्यू गर्ने यस्तो छ हिँड्छ यो लोड भएपछि हिँड्छ यहाँदेखि क्रेनले क्रेनले यसरी राख्छ ट्रकको कन्टेनरहरू मजाले राख्यो त्यसरी गरिरहेको छ लगाएँ यहाँ पछाडिचोटि चाहिँ अर्को हाम्रो बोट आउँदैछ गइरहेको छ अगाडि त्यो अलिकति हामी हल्का पास गए जस्तो छ हामी अलिक अगाडि छ त्यो चाहिँ अलिकति पछाडि पछाडि छ आउँदैछ है त्यस्तो छ मैले भिडियो बनाउँछु हुन त अब बाँकी जग्गाको एरिया चाहिँ देखा त बाँकी जग्गामा सर्दी सुरु हो गया इधर लेकिन गर्मी है अभी भी इसलिए फेरि इधर हाम क्या ये आइसक्रिम भी ले गया है दोस्तों तो फिर यहाँ पर थोड़ा आइसक्रिम देखा वो चेक कर रहे हैं तो देखो अभी दिसंबर नवंबर महीने में आइसक्रीम खाने का जरूरत पड़ती है इस एरिया में तो मतलब ये क्या है गर्मी सदाबहार गर्मी यो सब कुरो है यहाँनिर आएर चाहिँ हामीले आइसक्रिम पनि खाँदैछौँ किनकि अब चाहिँ के भन्दाखेरि नोभेम्बरको महिना हो नोभेम्बर महिना भए पनि केरलामा चाहिँ गर्मी नै हुन्छ थाहा भएको कुरो योभन्दा पहिला अब भ्लगमा नि मैले बताइसकेँ अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि गाइस अब हुनेलाई अब चाहिँ नि अब नोभेम्बरको महिनामा अब चाहिँ अहिले त मङ्सिर लागिसक्यो नेपालमा मङ्सिर अब पुस लाग्ने रहेछ जाडो सुक्रिनु सुक्राउने टाइपको जाडो सुरु हुन लागिसक्यो यहाँ चाहिँ के छ अहिले पनि गर्मी छ हामी हाफ किसिमले घुम्यो आनन्दले समुद्रको नजिक आइयो आएर चाहिँ होइन हल्का शीतल हावा चलिरहेको महसुस गर्न पायो र सो फाइनल्ली गाइस अभी हाम्रो क्यामेरा यो आइसक्रिम आ चुका है हम ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है कोही चश्मा भी लगा के फोटो खिच रहे अपना दादाजी जो इधर उधर जो भी है सब हम ये खाने वाले हैं ये एक्चुअल में देखा जाए तो इस मौसम ना ये नवंबर के महीने में बहुत जगह पर सर्दी शुरू हुआ है लेकिन यहाँ पर जो केरला है यहाँ पर गर्मी है गर्मी हुई से हम ये ठंडा ठंडा आइटम खा रहे हैं ये है बात तो जो भी जगह से मैं हिंदी में नहीं बने और नेपाली में बोला है तो थोड़ा मिला के आप लोग समझ लेना जो भी है मेरा ऐसे लग गया तो ओके हम खाने की तरफ करते हैं चलो चेस 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 चलो आइसक्रीम पी भी लिया जो भी है ये सब हमने खाइसक्यो अब यहाँदेखि हामी निकल्ने कार्यक्रम छ यहाँदेखि निक्लिन्छौँ अब यहाँको भिजिट यति नै भयो क्या त्यहाँ जाने फेरि यहाँदेखि अझै ल्यापटप किन्ने जाने भिजिट जाँदै त्यहाँदेखि ल्यापटप सोरुममा पनि जानु छ त्यहाँ पुग्यो हो फेरि त्यो एउटा ल्यापटप खरिदियो हो र त्यहाँदेखि पनि जान्छ ओके गाइस वान आवर लेटर फाइनल गाइस हामी चाहिँ यहाँ अब ल्यापटप खरिदेको हिसाबले आइसकेको छौँ ल्यापटप चाहिँ गर्दैछ किन्ने भयो इलेभेन्थ जेनेरेसन अब विन्डोज इलेभेनको साथमा यहाँ बदलले आफ्नो छोराको लागि लिने भनेर हेर्दैछ अब यहाँ इन्स्टल गर्ने कुरो काहीँ हुन्छ त्यो छ त्यसको बारेमा कुराकानी गर्दैछ अब यति हेर्छौँ के छ कसो त्यो हजारहरू अर्को डल्लोवाला कस्तो है यही लामो किन्नु है र अब डल्लोवाला छ त होइन क्या
ल बधाई छ हात त मिलाउनु हजुर बिल्कुल उसले चाहिँ ल्यापटप किनेको कारणले गर्दा होइन यो छ यहाँ हेडफोन सेडफोन छ त्यो छ कुरो गर्ने होइन